तो अस्सलाम वालेकुम तमामी ख्वातीन और हज़रात, दिस इज़ मी मोहम्मद मेराज सोहेल। बॉयज़ एंड गर्ल्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बेहतरीन सा विला जो कि अली ब्लॉक के अंदर वाकई है एंड काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। अगर हम इसकी लोकेशन के एतबार से बात करें तो इसकी लोकेशन कुछ इस तरह की है। ये रोड नंबर 5 स्ट्रीट नंबर 15 के अंदर वाकई है और इसी के बैक पे पड़ता है गार्डन जो कि बहेड़ा टाउन कराची के अंदर अली ब्लॉक का जो गार्डन है वो इसके बैक पे पड़ता है और इसी के साथ पड़ती है मस्जिद ताज तिर्मिजी जो कि अंडर डेवलपमेंट है एंड इंशाल्लाह वेरी सून विद इन वन ईयर बन जाएगी। और आए हम इसको विजिट करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, ये आप देख सकते हैं, ये है घर की एलिवेशन और काफ़ी खूबसूरत एलिवेशन है। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने ये गार्डन है जो कि अभी बन रहा है और विद इन 7 डेज इन्होंने कहा है कि भाई बन जाएगा। तो भाई ये आ गया इसका दरवाज़ा, मेन डोर कहें हम इसे, तो भाई ये लोहे का है तो यानी कि जब बारिश होगी तो इसके ऊपर से पेन नहीं उतरेगा, लोहे का हो या फिर स्टील का हो। फिर अब हम आ गए हैं इसके अंदर की जानेब, तो यहाँ पर अगर अभी आप नोटिस करें तो ये है कारपोश। यहाँ पर एक नॉर्मल एक सेडान आ सकती है यानी कि एक एवरी जैसी गाड़ी आ सकती है और एक नॉर्मल गाड़ी आ सकती है इसके अंदर। तो ये इसका एक लुक है और बैरन कराची के अंदर अली ब्लॉक के अंदर 5 लुक्स हैं और उनमें से ये एक लुक है जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कटिंग से लुक्स हैं, ये तमाम उसमें सेम लुक्स हैं। और ये आ गया इसका कारपोश, ये आ गया हमारे पास टैंकी और ये हमारे पास आ गया इसका पंप यानी कि पानी खींचने का। और यहाँ पर अगर हम इसके साइड की बात करें तो यहाँ पर अभी आपको चारपाई वगैरह नज़र आ रही है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर गैस सिलेंडर का है और यहाँ पर अगर आप देखें तो पानी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पानी भर सकते हैं और बआसानी बाहर अपने पौधों में दे सकते हैं। या तो भाई यहाँ पर 2 दरवाजे आपको दिख रहे हैं, ये 7-7 फुट के 2 दरवाजे हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अंदर जितने भी दरवाजे हैं वो सारे के सारे प्योर वुड के हैं और 7 फुट के हैं। तो यहाँ पर हम एंट्रेंस कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, हम अंदर की जानेब आ गए और ये है इसका लाउंज। तो ये अगर आप देखें तो काफ़ी खूबसूरत सा लाउंज है इसका और यहाँ पर टीवी रखने के लिए हमारे पास आ गया, टीवी कंसोल आ गया और यहाँ पर कुछ डेकोरेशन करने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास आ जाता है ड्राइंग रूम और इसका सेपरेट दरवाज़ा अपना अलग है और ये है इसका अपना सेपरेट दरवाज़ा। और ये आप सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है। यूजुअली सीलिंग डिज़ाइन नहीं दी जाती बट यहाँ पर सीलिंग डिज़ाइन भी दी हुई है। यहाँ पर एसके का पंखा नज़र आ रहा है आपको, सामने ग्रिल लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी हैं खिड़कियाँ उन सब में ग्रिल लगी हुई है आपको और इसके अंदर आपको पेपर ग्लास भी नज़र आता है जो कि है सिल्वर कलर का जो कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो ये आगे इधर आपने झूमर देख लिया और कॉम्प्रीहेंसिवली अच्छा स्पेस है, यहाँ पर अच्छा मैनेज किया हुआ है और अच्छा है। 7-7 फुट की यहाँ पर ये दी हुई है। तो पहली चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर पाउडर रूम है, तो ये आ गया हमारे पास पाउडर रूम। तो ये हमारे पास आ गया है पाउडर रूम, यहाँ पर इसके अंदर इसकी लाइटें भी हैं। तो भाई ये इसकी अपनी लाइटें भी हैं, ये हमारे पास आ गया छोटा सा पाउडर रूम। पाउडर रूम के साथ इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है एक छोटा सा, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपने स्टोर रूम दिया हुआ है यानी कि आपको जो जो नॉन यूजेबल थिंग्स हैं जो कि आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते वो आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि अभी इस वक्त यहाँ पर ये कुछ सामान रखा हुआ है और इसके नीचे भी, क्योंकि सीढ़ी के नीचे भी जगह होती है तो इन्होंने उसको बंद करने की बजाय यहाँ पर भी कुछ सामान रखने की जगह दे दी है, तो ये भी अच्छी बात है। तो अब हम जो दूसरी चीज़ जो कि अभी हम देखने जा रहे हैं वो है किचन। और किचन के अगर अभी आप ऊपर देखें तो यहाँ पर इन्होंने ग्लास लगाए हुए हैं, इधर भी हैं और ग्लास डोर है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव से लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो भाई ये आ गया हमारे पास किचन और किचन काफ़ी ज़्यादा खुला है और काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ये किचन आ गया हमारे पास, यहाँ पर चूल्हा आ गया और ये आ गया हमारे पास चिमनी और ये कबर्ड्स आ गए और फिर यहाँ पर हमारे पास बेसन आ गया जहाँ पर आप आके अपने बर्तन वगैरह धो सकते हैं। तो ये एक किचन है और काफ़ी अच्छा और कॉम्प्रीहेंसिवली अच्छा साइज़ है 125 स्क्वायर यार्ड के एतबार से। तो इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये भी आपको कबर्ड्स नज़र आ रही हैं एंड सेकेंड इसके नीचे आ गया ओवन देख सकते हैं आप, यहाँ इलेक्ट्रिक ओवन देख सकते हैं और एक नहीं दो दो हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो सैमसंग की आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन नज़र आ जाती है, तो यानी कि एक अच्छी बात है कि आप एक ही जगह पे रह के आप तमाम काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप कपड़े आराम से आप इसको धो सकते हैं और फिर यहाँ पर आप इसको ये इसके अंदर रख सकते हैं और ये हमारे पास आ गए कबर्ड्स।
तो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं कबर्ट्स अंदर से और अच्छा खासा सामान आ सकता है। तो एक नॉर्मल सी दो फैमिलीज यहाँ पर इजीली रह सकती हैं। तो अब हम आ गए इसके बैकयार्ड की तरफ, आप इसको वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं, यहाँ आप आसानी अपने कपड़े वगैरह धो सकते हैं और अच्छा स्पेस से यहाँ पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए। यहाँ पर आपको दो नल भी दिए हुए हैं। हम आवाज आते हैं वापसी अंदर की जानब। तो ये था किचन, तो अब हम जाते हैं पहले कमरे की तरफ। तो भाई ये किचन के साथ ये पहला रूम है और मैंने जैसे कि आपको बताया कि सब दरवाजे जो हैं वो 7-7 फुट के, मेरी जो हाइट है वो 6.2 है, तो ये 7-7 फुट के आपको दरवाजे दिख रहे हैं। और इसी के पीछे, इसी दरवाजे के पीछे आपको कबर्ड मिल जाती है इस रूम की, और ये आप देख सकते हैं कि अच्छे साइज़ की कबर्ड है और दीवार के अंदर ही है ये कबर्ड। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाती है कबर्ड, काफ़ी डीप है और सामान आप रख सकते हैं। तो मैं अब आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ इस कमरे का। भाई ये है एक कमरा जो कि है नीचे का कमरा, किचन के साथ ही लगता है ये कमरा और काफ़ी वेल मैनेज है। इसी में जो मैं आपको बताया सीलिंग के एतबार से, सीलिंग भी इसमें ऐसी ही है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ जाता है इसका वॉशरूम, और वॉशरूम काफ़ी देखने को काफ़ी अच्छा है। और ये अगर आप ऊपर देखें तो सीलिंग डिज़ाइन दी हुई है इसके अंदर भी, यानी कि वॉशरूम के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम देखने को मिल जाता है। इसमें आपको लाइटें मिल जाती हैं इस कलर की। ये आ गया इसका कमोड आ गया हमारे पास, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा लग रहा है। आपको कैमरे में लग नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा ये स्टेबलाइजेशन हुई भी है, बट अच्छा है। तो भाई स्विचेस देख लें, स्विचेस इस एतबार के हैं। और ये हमारे पास फैन के लिए आ गया, पंखे के लिए स्पीड ऊपर ज़्यादा करने के लिए। तो अब हम चलते हैं ऊपर की जानब। तो ये हमारे पास आ जाती हैं स्टेयर्स, और अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टेयर्स में आपको यहाँ पर वुडन है, ये तमाम की तमाम जितनी भी स्टेयर की जो ऊपर जो चढ़ने के लिए है, तो ये आपको एक वुडन मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको मार्बल का डिज़ाइन दिया था, और सामने वॉलपेपर दिया हुआ है आपको, और वॉलपेपर अभी आप देख सकते हैं ये है वॉलपेपर जो कि सीधा से ऊपर छत तक जा रहा है। और ये आ गया हमारे पास वॉलपेपर। तब हम आ गए हैं ऊपर की जानब, और यहाँ पर अगर मैं आपको पहली चीज़ दिखाऊं तो पहली चीज़ है यहाँ पर आपको एक लॉन टाइम मिल जाता है, लॉन्ग मतलब इनके आपको नॉर्मली लॉन मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको टीवी के लिए टीवी कंसोल मिल गया। यहाँ पर आके आपने कुछ सोफा वोफा लगा दिया और यहाँ पर आके आप बासानी देख पाएंगे अपनी मूवी शूवी यहाँ पर लगा के। और सिटिंग एरिया है ये ऊपर का, हाँ लाउंज है ये और सिटिंग एरिया कहें तो बात एक ही है। अब हम यहाँ के आ गए हैं पहले रूम के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ गया इसका दरवाज़ा, वही बात कि यहाँ पर 7-7 फुट के दरवाजे हैं। और ये आ गया इसका रूम जो ये काफ़ी बड़ा रूम है, और ये भी आप रूम देख सकते हैं कि ये है रूम इसका, दूसरा रूम है बेडरूम नंबर 2 दूसरा रूम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रूम है। और ये हमारे पास आ गया टीवी कंसोल के लिए जगह आ गई कि आप यहाँ पर अपना टीवी रख सकते हैं ऊपर की तरफ और बासानी देख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कबर्ड्स, अगेन कबर्ड्स वैसी ही हैं जैसे नीचे की तरफ है, और काफ़ी अच्छे गुड लुकिंग कबर्ड्स हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख कर। और यहाँ पर आपको एक शीशा मिल जाता है मिरर, जहाँ पर आप अपने आप को देख सकते हो और अपने आप को बाल बाल बनाने तो बना सकते हो। फिर यहाँ पर भी आपको एक वॉलपेपर दिख जाता है, और सीलिंग डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है, वाइट के साथ येलो का टच है। तो हमारे पास इसी का आ जाता है, इसी के पीछे की तरफ वॉशरूम आ जाता है। एंड आप वॉशरूम देख के शॉक हो जाओगे, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, ये भी 7 फुट का है और दरवाज़ा। तो ये आ गया हमारे पास वॉशरूम। अच्छा जी, तो ये है वॉशरूम इसका, और सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये है वॉशरूम का डिज़ाइन है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है और आँखों को भाने वाला डिज़ाइन है। तो अब यहाँ की मैं आपको लाइटें खोल के दिखा देता हूँ, ये सफ़ेद कलर की लाइटें हैं, एंड दिस इज़ मी। और ये है इसका, यानी कि आप यहाँ वॉशरूम है और यहाँ पर आप नहा सकते हैं, यहाँ पर आपको शावर मिल जाता है, और अच्छा और डिसेंट सा गुड लुकिंग डिज़ाइन है ऊपर सीलिंग का। यहाँ पर आपको ये एग्जॉस्ट फैन भी मिल जाता है। इस रूम के साथ ही पड़ता है दरवाज़ा, ये दरवाज़ा क्या है इसके पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सीढ़ी नज़र आएगी, स्टेयर्स नज़र आएगी जो कि सीधा आपको छत की तरफ ले जाएगी, वो भी हम थोड़े देर बाद विज़िट करते हैं। पहले हम ज़रा एक और रूम ज़रा विज़िट कर लें, उसके बाद फिर हम विज़िट करेंगे छत को भी।
दूसरी बात जो कि इस घर की बहुत अच्छी है वो ये है कि भाई यहाँ पर आपको नीचे भी किचन मिल जाता है और ऊपर एक मिनी किचन मिल जाता है, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर ऊपर बच्चे हैं या फिर एल्डर्स हैं वो नीचे नहीं आना चाह रहे तो वो यहाँ पर आसानी आके छोटी मोटी कुकिंग कर सकते हैं, मैगी बना सकते हैं। लेट नाइट भूख लग रही तो भाई नीचे नहीं जाना, यहाँ पर आके हम अपने लिए खाना नहीं, यहाँ पर आपको अगेन आके चूल्हा मिल जाता है और यहाँ पर आपको अगेन चिमनी मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे कबर्ड मिल जाते हैं आपको डीप साइज़ के, तो आप यहाँ पर आसानी ग्रोसरी आइटम रख सकते हैं जो कि आप इजीली बना सके लेट नाइट के वक्त। और अब यहाँ पर हम इसके आ जाते हैं बालकनी की तरफ, और ये है इसकी बालकनी अगेन 7 फुट की। इसके यहाँ पर आपको जितने भी हैं दरवाजे मिल जाते हैं, और ये आ गई हमारे पास बालकनी आ गई, और आप देख सकते हैं ये आ गई इसके सामने जो मिरर वाली हमारे पास ये आ गई खिड़कियाँ, और ये आ गई इसका सीलिंग डिज़ाइन ओपन है, और यहाँ पर ये आ गई हमारे पास सामने का व्यू। व्यू काफ़ी खूबसूरत है, अगर हम आपको बात करें व्यू के अतबार से तो आपको यहाँ से ग्रैंड जामिया यानी कि ग्रैंड मॉस्क नज़र आती है, फिर यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड कराची के अली ब्लॉक के आपको विलास नज़र आएंगे, और सेकेंडली वहाँ पर आपको बहरिया हाइट्स नज़र आ रही, बहरिया हाइट्स 2 नज़र आएगा, और लोकेशन के अतबार से काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर आपको ग्रिल वगैरह नज़र आ रही है, नीचे भी यहाँ पर इन्होंने ग्रिल लगाई हुई है। तो अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे यानी कि तीसरे रूम की तरफ जो कि सेकंड फ्लोर पे दूसरा रूम है, और अगर हम टोटल बात करें तो 3 रूम हैं इस घर के अंदर 125 स्क्वायर यार्ड का है। ये अगर हम सामने की तरफ देखें तो ये है इसका वॉल डिज़ाइन जहाँ पर बेड आएगा, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, वो एसी का पोर्ट है। फिर हमारे पास यहाँ पर आए तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है सीलिंग डिज़ाइन नज़र आ रहा है जो कि तमाम उसमें सिमिलर है। यहाँ पर आपको 2 टच मिलते हैं, एक वाइट और आपको एक मिल जाता है येलो स्टोन। तो ये हमारे पास कबर्ड आ जाता है, तो यहाँ पर आके दूसरा आपको कबर्ड देखने को मिल जाता है वाइट स्टोन के अंदर, वाइडर कबर्ड है, काफ़ी अच्छा है और गुड लुकिंग कबर्ड है। रूम की थीम के साथ, हर रूम की थीम के साथ ये कबर्ड मैच हो रहा है। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम को अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो 7 फुट का हमारे पास आ गया ये दरवाज़ा। फिर हम आ जाते हैं वॉशरूम के अंदर। अच्छा, वॉशरूम के अतबार से बात करनी पड़ेगी भाई, काफ़ी वाइडर वॉशरूम है, और ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको सीलिंग डिज़ाइन देखने को मिल जाती है यहाँ पर। भाई ये आ गया इधर का वॉशरूम, ये आ गया हमारे पास इसका वॉशरूम, यानी कि यहाँ पर आ गया कमोड, फिर यहाँ पर आ गया वो यानी कि आप नहाने का बाथ एरिया, यहाँ पर आपको शावर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको सामने मिरर मिल जाता है, और यहाँ पर सामने लाइटें मिल जाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सीन डाल रही है। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास छत पे जाने का रास्ता, तो अब हम यहाँ से छत पे जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर मार्बल टच दिया हुआ है ताकि ईजिली आप सेफ रहो और यहाँ से आप बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हो जब तक आपके सामने कोई घर नहीं बन जाता। तो अब हम जाते हैं छत की जाने, और ये अच्छा है काफ़ी ज़्यादा अली ब्लॉक के अंदर कि भाई फर्स्ट फ्लोर से निकाला गया, हम सबसे नीचे से निकालते ग्राउंड से तो ऊपर जाने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बट फर्स्ट फ्लोर से आप इजीली ऊपर रीच कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने दीवारें लगाई हुई ताकि आप आसानी से बच सको गिरने से, तो बच्चे वगैरह आराम से चढ़ सकते हैं और आराम से आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। और ये आ गया हमारे पास ऊपर का एरिया। तो अब हम आ गए हैं ऊपर की जानेब, और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक वॉशरूम का एक आपको वो नज़र आ जाता है, ऊपर सीलिंग नज़र आ जाती है। तो ये हमारे पास आ गया है इसकी छत, और छत तो अच्छी बनी हुई है छत भी। यहाँ पर इन्होंने बताया कि फ्लोरिंग हुई भी है, बट यहाँ पर किसी किस्म की कोई टाइल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जो है एज इट इज़ आपके सामने है। यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, ये आ गया वॉशरूम का ऊपर का हिस्सा। तो है हमारे पास आ गई टैंकी, और इसके साथ आ गया प्रेशर पम्प। अच्छा, प्रेशर पम्प अब बहुत ज़्यादा नीड हो गई है प्रेशर पम्प की, क्योंकि यहाँ पर जो पानी की जो स्पीड होती है नलकों में थोड़ी कम होती है, तो प्रेशर पम्प लगाया जाता है ताकि स्पीड भराई जा सके। तो ये प्रेशर पम्प लगी हुई अच्छी बात है, और ये हमारे पास आ गई टैंकी, ये हमारे पास आ गई इसकी टैंकी, और यहाँ से आ जाता है व्यू, मतलब ये आपका आ जाता है व्यू। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो भाई ये जो घर है मैंने आपको विजिट कराया, मैंने आपकी इसकी लोकेशन भी बता दी है, तो मैंने आपके सामने पूछना कि जो नंबर चल रहा है वो इस घर के मालिक का चल रहा है, एजाज नाम होगा, एजाज अंकल नाम ही होगा, और नंबर आपके सामने मैंशन है, तो आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं और इसके रेट के हवाले से बात कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशली मेरा नाम लेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड
ये था घर का ओवरऑल रिव्यू व्यू कि भाई इस घर के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें मुझे अच्छी लगती है, क्या चीजें आपको अच्छी लगेंगी। ये मैंने आपको एज अ ऑनेस्ट पर्सन मैंने आपको रिव्यू बताया, क्या वो घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। आप आके विजिट करें इस घर को और देखें और भाई को दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको और इस टाइप के घरों की वीडियोज चाहिए अली ब्लॉग के अंदर, घरों कराची के अंदर, तो आपको भाई हाजिर। और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।